ये चीला हमने बनाया मूंग की दाल से, तो ये परफेक्टली हेल्दी है, हाई इन प्रोटीन लो कार्ब, और उसी के साथ इसमें स्टफिंग भी है ना, एकदम ज़बरदस्त है, ढेर सारी सब्जियाँ और प्रोटीन रिच पनीर। तो अगर आप वेट लॉस की या फिर डाइट वाली रेसिपी देख रहे हैं ना, तो ये सुपर ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, टेस्टी भी और हेल्दी भी। है एवरीवन, मैं हूँ मधुरा, वेलकम टू मधुराज रेसिपी। आज हमने ना बहुत क्रिस्पी करारा मूंग दाल का भरवा चीला कैसे बनाना है वो देखेंगे। बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी है, तो प्रोटीन रिच है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 कप मूंग दाल मैंने अच्छे से क्लीन कर कर 5 घंटा सोक कर लिया, और आप देख सकते हैं ये अच्छे से सोक हो गई है। अब क्या करेंगे, अब एक ब्लेंडर जार लेना है, इसमें हम डालेंगे ये सोक की हुई मूंग की दाल, इसमें हम डालेंगे 1 लहसुन की कली और आधी मिर्च, 2 बैचेस में इसे ब्लेंड करना पड़ेगा, और इसका बना लेंगे पेस्ट। अब ये मूंग दाल के पेस्ट हम निकाल लेते हैं एक बोल में, एकदम फाइन कंसिस्टेंसी बना ले लें। देखिए, अब ये बैटर मैंने पूरा ब्लेंड कर लिया है, इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक फॉर टेस्ट, और इसकी कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए डोसा बैटर वाली, तो थोड़ा सा पानी। तो ब्लेंडर जार में ही मैंने पानी डालकर वापस थोड़ा ब्लेंड कर लिया था, तो वही पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये करना है अच्छे से मिक्स। चलिए, बैटर बनकर है तैयार, अब बना लेते हैं स्टफिंग। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मधुराज रेसिपी हिंदी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है ढेर सारी सब्जियाँ, जिसमें है कलरफुल शिमला मिर्च, हरी पीली लाल और गाजर। तो आप आपके चॉइस के हिसाब से सब्जी कम ज़्यादा कर सकते हो। तेल में सबसे पहले डालेंगे अदरक और हरी मिर्च, ये भून लेंगे हल्का सा, और फिर इसमें जाएगा ये सब सब्जियाँ, ये करना है मिक्स, और बस 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा समय के लिए फ्राई नहीं करना है, क्योंकि सब्जियाँ ना हमें वो उसका क्रंच रहता है वो स्टफिंग में चाहिए, तो बहुत सॉफ्ट नहीं करेंगे सब्जी, मैक्स 2 से 3 मिनट। सब्जियाँ 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई कर ली है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, एकदम नाइस एंड कलरफुल। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। तो पनीर यहाँ पे मैंने कद्दूकस नहीं किया, बस हाथ से ही क्रम्बल किया है, जी हाँ, स्टफिंग में डाल रहे हैं, ग्रेट किया, कद्दूकस किया, तो वो पता ही नहीं चलता कि पनीर है या कुछ और चीज़ है। तो फिर ये हल्का सा क्रम्बल किया हुआ पनीर, अगर आपको चाहिए तो आप ग्रेट कर कर डाल सकते हो। लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक, अब ये कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और बस 2 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। आप तो है ना, ये ऐसे ही सैलड कर कर भी खा सकते हो। अब गैस करेंगे बंद, और ये हमारा स्टफिंग है तैयार। तो चलिए, चीला बनाने के लिए तवा मैंने गरम कर लिया है, इसमें जाएगा थोड़ा सा तेल, और तेल टिश्यू पेपर से ये पूरा स्प्रेड कर लेते हैं। अब इस तवे के ऊपर हम डालेंगे ये चीला का बैटर, और ये करेंगे अच्छे से स्प्रेड। वाव, देखिए इसे जाली कितनी बड़ी आ रही है, लवली। अब ये ना अच्छा क्रिस्पी होने तक नीचे के साइड से हम कुक कर लेंगे। 2 मिनट के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं, सुपर। तो ये नीचे के साइड से ना चीला अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसे पलट कर दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा क्रिस्पी गोल्डन होने तक रोस्ट कर लेंगे। चलिए, ये नीचे के साइड से भी बहुत बढ़िया से रोस्ट हुआ है, फ्राई हुआ है, अब इसे पलट लेंगे, और गैस अब हम करेंगे लो हीट पर, और इसमें डालेंगे स्टफिंग,
जो हमने पहले ही बना के लिया है। वाह देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ये स्टफिंग, ज़बरदस्त। स्टफिंग डालने के बाद ये एक साइड अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसे फोल्ड करेंगे, और ये फोल्ड करके निकाल लेते हैं एक प्लेट के ऊपर। सुपर सुपर क्रिस्पी। तो ये मूंग दाल, भरवा मूंग दाल चीला बनकर तैयार है, सुपर सुपर क्रिस्पी बन जाता है, और स्टफिंग बहुत टेस्टी। मतलब अगर आप वेट लॉस इन द प्रोसेस हो तो ये परफेक्ट लंच या फिर ब्रेकफास्ट है ऑप्शन। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही हेल्दी डिश के साथ, तब तक के लिए बाय।